दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर है और आपके पास इंटरनेट चलाने का कोई भी साधन नहीं है, मगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट है, तो कैसे आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट को जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, जो अपना ऑफिस का काम अपने घर पर लेकर आते हैं और उनके पास या तो लैपटॉप होता है या फिर कंप्यूटर होता है, मगर उनको ये नहीं पता कि उनके मोबाइल से इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। ऐसा बहुत सारा केस मैंने देखा है लॉकडाउन में। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप खरीदते हैं और उनको भी जो है इसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। और इसके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा, तो इन दोनों तरीकों को एक एक करके और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम मान के चलते दोस्तों आपके पास एक लैपटॉप है और आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट है और आपको अपने फ़ोन के इंटरनेट को जो है कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप में, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके दो प्रोसेस है, उन दोनों प्रोसेस को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है दोस्तों वो है हॉटस्पॉट मेथड। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा और हॉटस्पॉट को जो है ऑन करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन जो बार है इसको आपको स्लाइड करना है और यहाँ मोबाइल डेटा ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन कर देना है। अगर ये हॉटस्पॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप इसको सेटिंग से भी ऑन कर सकते हैं। कैसे, तो सेटिंग के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शन के अंदर आएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट लिखा है। सिंपली आप इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट जो है ये इनेबल है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ से इसको ऑन कर दिया था। यहाँ से देखिए ये अगर मैं यहाँ पे ऑफ़ करूँगा तो वो ऑलरेडी वो ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ हो गया। इसको मैंने यहाँ से ऑन कर दिया तो वो भी वहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों अब मेरा मोबाइल का काम जो है ख़त्म हो गया है, अब मैं लैपटॉप से जो है इसको कनेक्ट करना है। देखते हैं लैपटॉप में क्या करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको नीचे में एक ये नेटवर्क का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वाईफाई का जो है ये ऑफ है, इसको सिंपली ऑन करना है। जब ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क जो है दिखने लग गया। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और उसको डाल के आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे कंप्यूटर में जो है नेट चल रहा है या फिर नहीं। तो हम ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करते हैं दोस्तों, जैसे FB, मान लीजिए फेसबुक हम सर्च करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली जो है नेट कनेक्ट हो चुका है और ये यहाँ पे जो है हम नेट को यूज़ भी कर पा रहे हैं, एक्सेस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पहला मेथड। तो अभी जो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था पहला मेथड या फिर कह लो पहला प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली आराम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो अब हम सीखेंगे दूसरा प्रोसेस क्या है और इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपली इसको करने के लिए दोस्तों आपको USB केबल का ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो है वो है USB केबल मेथड। दोस्तों इससे करना क्या होगा, आपको आपको अपने कंप्यूटर को USB केबल के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। जब आप कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करना है जिसके बाद आप अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शन जो लिखा है इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन लिखा है USB टेथरिंग। ठीक है, इसको सिंपली आपको ऑन कर देना है और ये ऑन हो चुका है और आपको सिंपली अपना मोबाइल डेटा भी ऑन कर देना है। अब यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप देखिए अपने कंप्यूटर में वो जो नेटवर्क का ऑप्शन आता है वहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो चुका होगा। अभी नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा ये वेरीफाई कर रहे हैं और ये जैसे वेरीफाई कर लेगा तब तक मैं एक क्लिक करता हूँ, एक मिनट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही वेरीफाई कर लेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, एक मिनट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है बट हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ देख सकते हैं दोस्तों लोकल एरिया कनेक्टेड और यहाँ पे फाइनली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेटवर्क का आइकन आ रहा था वहाँ पे देखिए कनेक्टिंग का आइकन आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं दोस्तों कि कोई कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हम FB सर्च करते हैं, FB, और यहाँ पे हमने सर्च किया
और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्च रिजल्ट भी आ गया, यानी कि सक्सेसफुली जो है मेरा नेट कनेक्टेड हो चुका है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना सिंपल और कितना इजी मेथड था। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके मन में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आज का सवाल आपसे यही है कि क्या आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं या फिर नहीं, बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।